आपने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे बच्चों को देखा होगा, टीवी पे हो सकता है, टीवी पे इंटरनेट पे हो सकता है, यूट्यूब में हो सकता है, जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस हैं, मतलब उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिभाएं हैं, मतलब उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है, ये बहुत अच्छा फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, का ब्रेन ज़बरदस्त शार्प है, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं सुपर जीनियस बच्चे, है ना। आपने देखा होगा अक्सर, कई लोग देखेंगे आप अगर गूगल में सर्च करें तो कुछ लोग दोनों हाथ से लिख लेते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोई नॉर्मल बच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों को हम लोग कहते हैं सुपर जीनियस बच्चे, और आम तौर पर ये माना जाता है कि ये बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब इनकी जो काबिलियत है, इनकी जो जीनियसिटी है, मतलब इनका जो इंटेलिजेंस है, दैट इज़ गॉड गिफ्टेड। क्या वास्तव में ये केवल गॉड गिफ्टेड ही हो सकता है, या बच्चों में ऐसी काबिलियत पैदा की जा सकती है? ये सवाल सोचने लायक है। अब गूगल में सर्च करिएगा, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएंगे। मेरा ये मानना है, मैंने बहुत रिसर्च किया है इस बारे में, मेरा ये मानना है कि ऐसे बच्चे हम बना सकते हैं, मतलब किसी भी बच्चे को हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे के सिखा करके हम उसे ऐसे बच्चे हम तैयार कर सकते हैं जो सुपर जीनियस हों। इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक होता है मेंटल मैथमेटिक्स, मतलब उसके लिए अगर आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करना है, कोई भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज क्या होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे हम भी हों, अगर कोई कैलकुलेट करना होगा तो हम तुरंत मोबाइल निकाल लेते हैं, भैया कैलकुलेटर खोल के हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम दिमाग का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेंटल मैथमेटिक्स क्या करता है कि आपको ऐसा सिखाता है कि आपको सारा कुछ जो कैलकुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ मैथमेटिक्स आप दिमाग से कर सकते हैं। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग ह्यूमन कैलकुलेटर भी बोलते हैं। तो ऐसी काबिलियत हासिल करना संभव है। मैं आपको लाइव उदाहरण देता हूँ। अभी मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, भैया 95 × 95 क्या होता है? तो आपके पास शायद कोई जवाब नहीं होगा, आप नहीं दे पाएंगे, आप कैलकुलेटर निकालेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से कोई रात में 3 बजे भी गहरी नींद से उठा के भी पूछता है कि भैया 95 × 95 क्या होगा, तो मैं तुरंत बता दूंगा 9025। अगर मेरे से कोई पूछता है 195 × 195 क्या होगा, तो मैं तुरंत बता दूंगा 3805। आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए हमको 98 × 97 कैलकुलेट करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली आप पेन पेपर निकालेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 95 × 97 होता है 9506। अब देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 91 × 99 आपको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? इसका आंसर था 9009। तो ये सब होता क्या है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, जो हम लोग सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। ये होता है तो ट्रिक सीख लिया हमने, हमने आसानी से सीख लिया, हमने कर लिया, लेकिन हमको इसके बेनिफिट समझ में नहीं आते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। अगर आपने मेंटल मैथमेटिक्स सीख लिया, तो इसका सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, हमारे नंबर्स का मेमोरी बहुत बढ़ जाता है। उसके अलावा जब हम मेंटली कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ब्रेन का इस्तेमाल बहुत होता है, तो इसलिए हमारी ब्रेन की पावर बहुत बढ़ जाती है, इसकी बहुत कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, हमारा मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाता है। एक होता है एनालिटिकल स्किल। अब जब बहुत फास्ट कैलकुलेशन भी अगर दिमाग से कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा एनालिसिस भी करना पड़ता है, तो एनालिटिकल स्किल आपकी बढ़ती है। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि कई बार जब हम इंटरमीडिएट जो कैरी ओवर या लेफ्ट ओवर ये जब हम करते हैं, तो हम एक दिमाग में एक इमेज बना करके उसको स्टोर करते हैं कि भैया हाँ 6 कैरी ओवर बचेगा, उसको हम बाद में रिट्रीव करेंगे। तो क्या होता है कि हमारा एक विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। मेमोरी तो बहुत बढ़ जाती है, डेफिनेटली वो बेनिफिट है ही है। तो ऐसे सारे बेनिफिट हैं। अब मेंटल मैथ कौन कर सकता है? स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बड़ी एज होने के बाद में कई बीमारियाँ होती हैं जो मेमोरी से संबंधित रहती हैं, जैसे भूलते जाना, कुछ डिमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर बोलते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है अगर हम मेंटल मैथमेटिक्स को अडॉप्ट करते हैं, हम सीखते हैं तो। और जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनेशन में अगर कुछ कैलकुलेशन हो तो टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर मोबाइल तो अलाउ रहता नहीं है। अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप अपने पेपर में पेन पेंसिल से कैलकुलेट करते हैं, वही अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाता है।
टाइम बचने के साथ साथ में जब एग्ज़ाम देते समय बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। अब इसी कड़ी में मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग कहते हैं उसको कि भैया घर में एक अच्छी से फ़ोटो, अच्छे सुंदर बच्चे के फ़ोटो लगाओ, अच्छे गाने सुनो, अच्छा खाना खाओ और अच्छे चीज़ें सुनो, मतलब अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो। अगर आपको टीवी सीरियल देखना है तो आप ऐसे मत देखो जो मारधाड़ वाली हो, जो अच्छे कॉमेडी सीरियल हों वो आप देखो। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जिस कंडीशन में रह रही हैं, जो कर रही हैं, उनका सीधा असर उनके बच्चे पर पड़ता है। माँ के पेट में बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है वो सेकेंड मंथ से शुरू हो जाता है। और आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि म्यूज़िक के थ्रू, म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू बच्चों के ब्रेन को भी डेवलप किया जा सकता है। म्यूज़िक हम सभी को अच्छा लगता है, म्यूज़िक आपको एक मन की शांति देता है, अच्छा म्यूज़िक रहेगा तो मन की शांति देता है। तो एक होता है बाइनोरल बीट्स, इन्फेंट म्यूज़िक थेरेपी को, जो प्रेग्नेंट लेडी है सेकेंड मंथ से लेकर 9 मंथ तक हर महीने का अलग अलग कोर्स रहता है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट कुछ म्यूज़िक रहते हैं वो सुनना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट म्यूज़िक थेरेपी। वो जो म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे बच्चों का ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है। तो जब बच्चा जब पैदा होता है तभी वो ऑलरेडी एक अच्छे दिमाग के साथ पैदा होता है, ऐसा बच्चा डेफिनेटली इंटेलिजेंट रहेगा। अब जो बच्चे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, मतलब जिनकी उम्र 5 साल से 15 साल के बीच में है, ऐसे बच्चों का ब्रेन काफ़ी कुछ डेवलप किया जा सकता है। ब्रेन पावर, मेमोरी पावर इतना किया जा सकता है कि मैं आप कल्पना नहीं करेंगे। आप अगर अक्सर वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मिड ब्रेन एक्टिवेशन से संबंधित, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन वास्तव में पॉसिबल है और ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे खुद के बेटे ने जब वो छोटा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया है। अब मैं आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूँ, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उसको कैसा मिला कि उसका बहुत शार्प ब्रेन हो गया। रूबिक क्यूब होता है 4x4, बहुत रेयर लोग सॉल्व कर पाते हैं, उसने सीखा, बेटे ने सीखा और वो 2-3 मिनट के अंदर रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेता है। तो ऐसे बेनिफिट डेफिनेटली होते हैं बच्चों को और ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने एक बुक लिखी है सुपर जीनियस, इस किताब में मैंने सिस्टमेटिकली लिखा है कि आपके बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, मतलब वो प्रेगनेंसी से लेके 15-18 ईयर्स तक का ब्रेन का डेवलपमेंट चालू रहता है। और इस दौरान अगर आपने ऐसे कोर्सेस कर लिए, अगर बच्चों के करा दिए तो वो सुपर जीनियस बन सकते हैं बच्चे, और आपके लिए बहुत आसान है। आसान है मेरा मतलब है कि आपके अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ कि आप घर पे ही कर लें, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज अगर आप कोर्सेज कराने की बात करते हैं बच्चों को, तो अगर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात करेंगे तो कोई 10,000 से लेकर 25,000 तक फ़ीस चार्ज करते हैं। क्यों इतनी फ़ीस देना? मैंने इस बुक में पूरा सिस्टमेटिकली दिया है कि आपको पूरे बच्चे के बचपन के दौरान में आप कैसे कर सकते हैं, कब कब क्या करना चाहिए है और कौन सा कोर्स कैसे लेना चाहिए। उस कोर्स की पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है, पूरा कोर्स का शेड्यूल मैंने दे दिया है। तो ऐसे 6 से 7 कोर्सेज उसमें मैंने मेंशन किए हैं। और अगर आप किताब ख़रीदते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, ये बुक अमेजन में अवेलेबल है। आप किताब ख़रीदते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, ये सारे कोर्सेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, मतलब इन्फेंट म्यूजिक थेरेपी से लेकर के आपके जो 15-16 ईयर्स तक आपको जो प्रोग्राम करने हैं बच्चों का, वो मैं आपको सारे फ्री दे रहा हूँ। एक बात आपको मानना पड़ेगा कि यह बहुत ही आसान नहीं होने वाला अगर इन टर्म्स ऑफ हम करने की दिशा में देखें। इसमें समय लगता है बहुत, क्योंकि एक ऐसी काबिलियत है वो जो बच्चे की ज़िंदगी भर काम आएगी, बच्चे के तो ज़िंदगी भर काम आएगी। तो उससे जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसके जो अगली जनरेशन है उनको भी फ़ायदा होगा। तो आप समझ लीजिए कि आप ये किताब आपके अपने बच्चों के लिए नहीं, आपके कई पीढ़ियों के लिए काम आने वाली है। तो किताब आज ही खरीदिए और मुझसे संपर्क करिए, तो मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर पूरे फ्री में दे दे रहा हूँ। और बुक्स पढ़ के आपको समझ में नहीं आए कि कोई कोर्स कैसे लेना है या किसी कोर्स को लेने के समय में कोई आपको समस्या आए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जूम मीटिंग में कनेक्ट करके सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, क्योंकि ये मेरा विजन है कि मैं ये सब चीज़ें, ये काबिलियत पैदा की जा सकती है, लोगों को मालूम पड़े और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तान के हर मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए, हर इंसान पर वीडियो देखना चाहिए। इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि भाई हमारा बच्चा दूसरों से पीछे क्यों रहे
और हम अपने बच्चों को इस लायक बना सकते हैं कि दूसरे बच्चों से आगे हो सके, आगे बढ़ सके। थैंक यू।